जो भी इंस्टीट्यूशन पैसों पे ज़्यादा फोकस करता है वो बिजनेस बन जाता है, जैसे कि आजकल का अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। वहाँ पे कोई भी एजुकेशन के बारे में इतना केयर नहीं करता है, बस एकेडमिक्स के बारे में केयर करते हैं। एजुकेशन हमें कहीं से भी मिल सकता है, बुक से भी मिल सकता है, हम खुद ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। दैट इज़ वॉट एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट, जस्ट कंज्यूमिंग नॉलेज इन ए वे यू कैन अंडरस्टैंड। मगर एकेडमिक्स ऐसा नहीं है, उसका एक सिलेबस रहता है, उसको फॉलो करना चाहिए, उसके बेसिस पे आपका एजुकेशन हो रहा है। मगर वो एक मेथड है, वही मेथड फॉलो करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। कॉलेजेस और स्कूल्स एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए आपको कॉलेज में और स्कूल में बस बिठा के पढ़ने को बोलते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट पे कोई फोकस ही नहीं करते। क्योंकि जब एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूशन का नाम ऊपर जाएगा, अगर नाम ऊपर जाएगा तो ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे। इसके वजह से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ओनली मार्क्स के ऊपर ध्यान देते हैं, अपना एक्चुअल एजुकेशन के ऊपर नहीं। ये सिस्टम इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, ये ब्रिटिश बना के गया है और आज तक हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं। अभी तो रिसेंटली वो चेंज हो रहा है, मगर अभी तक वही फॉलो कर रहे थे। आपने कई जगह सुना होगा कि लोग बोल रहे हैं ये एजुकेशन सिस्टम बस मशीन्स पैदा कर रहे हैं। एक्चुअली वो सही है, क्योंकि ब्रिटिशों ने जब ये एजुकेशन सिस्टम बनाया था उनको क्लर्क्स की ज़रूरत थी, तो इन्होंने क्लर्क्स पैदा करने के लिए एक फोकस्ड एजुकेशन सिस्टम बनाया, ताकि उनका माइंड ऐसा हो कि जो बोले वो सुने, बस नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इसी रीज़न की वजह से आपका कॉलेज में आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो ना, ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट हो जाता है। मगर आपको खुद ये जोश अंदर रखना पड़ेगा कि कुछ नया सोचना है। आपका थर्ड ईयर का फोर्थ ईयर का जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको यूनिकली थिंक करने का एक मौका मिलता है। जब आप कुछ यूनिक चीज़ बनाते हो ना, तब उसका वैल्यू होता है, और वो ही चीज़ आप रेज्यूमे में जब डालोगे कंपनीज़ को ज़रूर इंटरेस्ट होगा आप पे, डेफिनेटली, क्योंकि आपने कुछ यूनिकली सोचा है, यूनिकली कुछ खुद से बनाया, राइट? मगर ये यूनिक बोलता जा रहा हूँ, मगर कैसा करें अपना प्रोजेक्ट यूनिकली। हिस्ट्री में जितने भी इनोवेशन्स हुए हैं ना, किसी ने दो चीज़ों को मिला के किया है, जैसे कि अपना अलार्म क्लॉक ही ले लो, क्लॉक और बेल दोनों को मिलाया तो फिर वो बन गया अलार्म क्लॉक। किसी ने टेलीफोन को और प्रिंटर को मिला दिया, वो बन गया फैक्स, और कोई सूटकेस को आसानी से पुश करने के लिए उसको व्हील्स लगा दिया है। आजकल जितने भी सूटकेस आते हैं उन सबको व्हील्स है। ऐसे ही बनते हैं यूनिक आइडियाज, दो चीज़ों के, अलग अलग चीज़ों को जब मिलाते हैं ना अपन, तब यूनिक चीज़ निकल के आता है। आपके आसपास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, और वो प्रॉब्लम्स को जब ढूंढोगे, ऐसा सोचना कि दो अलग अलग चीज़ों को कैसा मिला के एक डिफरेंट सॉल्यूशन बना सकते हैं, तब जाके आपका चीज़ यूनिक बन जाएगा और इनोवेटिव लगेगा। क्रिएटिविटी का टैग हम लोगों ने स्पेसिफिक चीज़ों को दे के रखा है। एक्चुअल में हम सब लोग क्रिएटिव होते हैं, मैं भी क्रिएटिव हूँ, आप भी क्रिएटिव, क्योंकि अगर हम सोच सकते हैं That means we are creative. Animals cannot think, they cannot be creative. हम humans हैं, सभी creative हैं, बस आपको वो creativity को कैसा enhance करना है वो सोचना है। चलो ये example लेते हैं, हम सब सोचते हैं कि हमको कॉलेज खत्म होते ही जॉब मिले। कैसा मिलेगा? जब आपके अंदर दो स्किल कंबाइन करेंगे ना, वो बन जाएगा something different. वो different चीज़ क्या है आपके अंदर, उसी के वजह से कंपनी आपको हायर करना चाहते हैं। अगर सब लोग एक ही काम कर सकते हैं, आपकी क्या ज़रूरत होगी कंपनी को, किसी और को हायर कर लेंगे, राइट? तो आपने आपको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। वो डिफरेंशिएट कैसा करना है? दुनिया को हम सब लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आपका यूनिक पर्सपेक्टिव क्या है वो ढूंढो आप पहले। अगर वो मिल गया, ऑटोमेटिकली आप वो दो स्किल को मिला के एक डिफरेंट और यूनिक स्पेशलिटी अपने अंदर लेके आओगे, और वही अपने को कंपनीज को प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल, आपको टीचिंग पसंद है और आईटी कंपनी में भी काम करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एजुकेशन बेस्ड आईटी कंपनी ढूंढ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपकी स्किल की वैल्यू होगा। अगर ऐसा ढूंढोगे तो आपको ज़रूर जॉब मिलेगा, क्योंकि उस कंपनीज के लिए आप वैल्यूबल होंगे। ऐसे ही अपने आप में जितने भी स्किल्स हैं ना, उसको मिक्स एंड मैच करो, कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा। और इनोवेशन के बारे में भी ऐसा ही है, सिंपल।
कुछ मिक्स एंड मैच करो, कुछ नया आइडिया निकल के आएगा, वही करना है हमको यूनिक बनने के लिए। चलो आज के लिए यही, फिर मिलते हैं एक और नया आइडिया के साथ। अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। दिस इज़ तरुण जॉश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।